चिकन की कीमत 600 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है चिकन फरोश कमीशन लेते हैं, जिसकी वजह से चिकन महंगा हो गया। मजीद जानते हैं तजमल हुसैन कुरैशी से। जी तजमल जी, बिल्कुल, आज एक मरतबा फिर मैं चिकन की बात करूं तो छबकलां और गिरदोनवा में पिछले कई दिनों से जो चिकन की कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। हुकूमत पंजाब की तरफ से खुर्दनोश पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो हो रही है, लेकिन चिकन की जो कीमत है वो अपनी जगह बरकरार है। सबसे पहले हम दुकानदार से बात करते हैं। सर, ये मुर्गी है, ब्लैक दे रहे हैं, पीछे से मुर्गी ब्लैक देते हैं हमें, हम सरकारी रेट पर मुर्गी बेच रहे हैं। आज का रेट 590 रुपये सरकारी रेट आया, हम सरकारी रेट पे बेच रहे हैं। ये जो गाड़ियों वाले हैं ना, यहाँ 20-20 रुपये किलो के कमीशन लेते हैं, पीछे से सस्ती मुर्गी लेके हमें ब्लैक रेट पे ये मुर्गी देते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। जी भाई बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से पेट्रोल में नुमाया कमी हुई है, खाने पीने की चीज़ों में और काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारी कमी हुई है, लेकिन चिकन अपनी जगह पर खड़ा है। मेरी हुकूमत से अपील है कि चिकन को भी कम किया जा सके ताकि गरीब आदमी भी चिकन ले सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, हुकूमत पंजाब से अपील की है कि खुदारा चिकन की कीमत में कमी की जाए ताकि हर शहरी आसानी जो है वो चिकन खरीद सके।